हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लॉयड डीसी इन्वर्टर एसी के लेटेस्ट मॉडल 2022 के इस रिमोट की कंप्लीट सेटिंग और फंक्शंस को समझेंगे कि ये कैसे चलता है और कौन से बटन का क्या काम होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले रिमोट के इस पार्ट को डिस्प्ले कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये जो बटन है इससे एसी ऑन भी होता है और इसी बटन से ऑफ भी होता है। जब आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो एसी उस मोड में ऑन हो जाएगा जिस तरह आपने एसी को सेट किया हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों टर्बो का। इस ऑप्शन को तब यूज किया जाता है जब आप गर्मी से बहुत ज्यादा थके हुए आए हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से रूम ठंडा हो जाए, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप रूम को जल्दी से जल्दी ठंडा या गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस मोड में एसी फुल कैपेसिटी से चलता है और एसी को जब आप ऑन करते हैं तो वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है 1 से 1.5 मिनट में, जबकि नॉर्मल मोड में 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये मोड दोस्तों 60 मिनट के बाद ऑटो ऑफ हो जाता है और एसी नॉर्मल मोड में चलने लगता है, क्योंकि टर्बो मोड में एसी ज्यादा एनर्जी ले रहा होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है इको का। अगर आप इको बटन को प्रेस कर देते हैं तो इस मोड में एसी बहुत कम एनर्जी के साथ चलता है, जिसमें कंप्रेसर की स्पीड भी स्लो हो जाती है और इनडोर में जो ब्लोअर है उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है और जो एसी का टेम्परेचर है वो भी 22 पर बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। इस मोड का फायदा ये होता है, इसमें बिजली की अच्छी खासी बचत होती है और एसी टेम्परेचर को सेंस करते हुए ऑटो चलता है, जिस तरह कंपनी ने बाय डिफॉल्ट सेट किया होता है। इस मोड में दोस्तों एसी बहुत कम एनर्जी लेता है और 1 से 1.5 एम्पीयर पर एसी चल रहा होता है और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसमें आपको बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसी खुद ही कूलिंग को आपके बॉडी के हिसाब से काम करता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों स्लीप का। इस फंक्शन का दोस्तों ये काम होता है, जब रात को आप एसी को ऑन करते हैं और इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो तब एसी स्लोली स्लोली कूलिंग करेगा और एसी का फैन भी स्लो चलेगा और आवाज भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जब बंदा सो रहा होता है तो जिस्म गर्म होता है, तो इस मोड में ज्यादा रूम ठंडा नहीं होता और हर 1 घंटे के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता रहता है 8 घंटे तक, और आपको बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसी खुद ही आपकी बॉडी को देखते हुए टेम्परेचर को कम करता रहता है और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है मूड का। इस बटन में दोस्तों 5 फंक्शंस होते हैं, ऑटो, कूलिंग, ड्राई, फैन और हीटिंग का। जब आप इस बटन को प्रेस करते जाएंगे तो ये फंक्शंस बदलते जाएंगे और आपको डिस्प्ले पर नजर आते जाएंगे। तो इसमें दोस्तों जो ऑटो फंक्शन है वो कंपनी ने सेट किया होता है। इस मोड पर अगर आप एसी को रखते हैं तो एसी अपने हिसाब से ऑटोमेटिक चलेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों वो है कूलिंग का। अगर गर्मी का मौसम है तो आप कूलिंग मोड पर एसी को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जितना भी आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मोड है दोस्तों वो है ड्राई मोड। ड्राई मोड दोस्तों रूम में नमी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब मॉनसून का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो इस मोड को ज्यादा यूज किया जाता है। इस मोड में एसी बिल्कुल स्लो चलता है और इसमें आप फैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों वो है फैन का। अगर आप सिर्फ फैन की हवा लेना चाहते हैं तो इस मोड को ऑन कर सकते हैं। इस मोड में आपको ना हीटिंग मिलेगी और ना ही कूलिंग मिलेगी। इस मोड में आप एसी को सीलिंग फैन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो फंक्शन है वो है हीटिंग का। हीटिंग मोड दोस्तों सर्दियों में यूज किया जाता है। हीटिंग मोड में दोस्तों जब आप एसी को लाते हैं तो इसमें आपको गर्म हवा मिलेगी और इसमें आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर को और फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अगर तो आपका एसी इन्वर्टर है और उसमें हीटिंग का सिस्टम है तो तब ये फंक्शन काम करेगा, और आजकल सभी एसी हीट एंड कूल पर ही आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों डिस्प्ले का। इस बटन की मदद से आप रिमोट की लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और साथ में इनडोर की जो डिस्प्ले की लाइट होती है उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह बटन दोस्तों रात को ही काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर हमें नजर ना आए हमें, तो इस बटन से लाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
इसके बाद यह जो बटन है दोस्तों, इसकी मदद से आप एसी का जो टेम्परेचर है उसको ज्यादा भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। जिस साइड पर प्लस का निशान है उसको प्रेस करने से टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिस साइड पर माइनस का निशान है उसको प्रेस करने से टेम्परेचर कम होगा। अगर आपको कूलिंग ज्यादा चाहिए तो इस माइनस साइड को प्रेस करेंगे तो कूलिंग ज्यादा होती जाएगी और अगर कूलिंग कम चाहिए तो इस प्लस साइड को प्रेस करेंगे तो कूलिंग कम होती जाएगी। नॉर्मली जिस पर ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करती है वो 24 टू 26 का होता है। इसके बाद है दोस्तों वर्टिकल स्विंग। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो एसी की जो एयर थ्रो है उसको आप अप डाउन कर सकते हैं। ये जो ग्रिल्स होती हैं दोस्तों अप डाउन होती रहती हैं और अगर इनको ऑफ करना है फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये एक जगह रुक जाएगी। इसके बाद है दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्विंग। इस बटन को प्रेस करने से जो एसी ग्रिल्स के अंदर जो ग्रिल्स होती हैं जो लेफ्ट एंड राइट हवा को थ्रो करती हैं वो ऑन हो जाती हैं और एयर लेफ्ट और राइट भी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है फैन का। इस बटन की मदद से आप फैन की स्पीड को लो, मीडियम, फास्ट और ऑटो कर सकते हैं। अगर आपको हवा ज़्यादा चाहिए और जल्दी रूम को ठंडा करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके फैन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो फैन लो स्पीड पर चलेगा, जब सेकंड बार प्रेस करेंगे तो फैन मीडियम स्पीड पर चलेगा, जब थर्ड बार प्रेस करेंगे तो फैन हाई स्पीड पर चलेगा और जब आप चौथी दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटो मोड में हो जाएगा जिस तरह कंपनी ने रखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बटन है वो है माई मोड का। इस मोड का दोस्तों फायदा ये होता है अगर रूम में दो लोग रहते हैं और एक को 26 कूलिंग पर अच्छा फील होता है और दूसरे को 24 पर कंफर्टेबल फील होता है तो वो माई मोड में अपना मोड 24 सेट कर सकता है। जब भी रूम में वो आएगा तो उसने माई मोड में जो जो भी सेटिंग की होगी फैन की, ग्रिल्स की, टेम्परेचर की वो आ जाएगी सिर्फ वन प्रेस पर। जब माई मोड बटन को आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो माई मोड का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और फिर से बटन को दबाएंगे तो ये जो नॉर्मल मोड रहता है उसमें आ जाएगा। अगर माई मोड को रिफ्रेश करना हो या कोई चेंजिंग करनी हो तो रिमोट से बैटरी को निकाल कर फिर से लगाएंगे तो माई मोड का ऑप्शन रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन है टाइमर ऑन का। इस ऑप्शन की मदद से आप एसी को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। फर्ज करें अगर आप चाहते हैं कि एसी एक घंटा चलने के बाद खुद ही बंद हो जाए तो इसके लिए आप टाइमर बटन से टाइमर ऑन लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों टाइमर ऑफ का। इस बटन की मदद से जो आपने टाइमर ऑन बटन से टाइमर लगाया होगा उसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है सबसे इम्पोर्टेंट 5-in-1 का। यह मोड एयर कंडीशनर में इसलिए दिया जाता है अगर आप चाहते हैं कि एसी का जो कंप्रेसर है वो फैन की तरह लो, मीडियम, हाई और फास्ट चले तो आप इस बटन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंडोर को काफ़ी दूर लगाया है, रूम का जो छत है वो सेकंड फ्लोर पर है, आउटडोर बहुत दूर लगा हुआ है तो तब भी आप इस मोड को यूज कर सकते हैं। इससे एसी के कंप्रेसर की कैपेसिटी बढ़ जाती है और साथ ही कूलिंग भी ज्यादा हो जाती है। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो नॉर्मल मोड होगा वो आ जाएगा CR। इसके बाद फिर प्रेस करने से C1 आएगा जिसमें कंप्रेसर की कैपेसिटी पहले से बढ़ जाएगी। इसके बाद प्रेस करने से C2 आएगा, फिर C3 आएगा, फिर लास्ट में C4 आएगा और C4 कंप्रेसर की सबसे हाई कैपेसिटी है। इसमें एसी बहुत फास्ट चलेगा और कूलिंग भी फास्ट करेगा लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी ज्यादा करेगा। अगर आप कूलिंग फास्टली लेना चाहते हैं तो इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं लेकिन मेरी आपको बेस्ट सजेशन ये है कि आप एसी को इको मोड में या नॉर्मल मोड में ही चलाएं। इससे आपका एसी कम से कम बिजली की कंजप्शन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बटन है वो है वाईफाई का। इस बटन की मदद से आप अपने एसी को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने एसी को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। अगर आपके एसी में वाईफाई का ऑप्शन है तो इसके लिए प्ले स्टोर से लॉयड की ऐप को डाउनलोड करें और इसमें अकाउंट बनाएं और अपने एसी को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद फुली अपने मोबाइल फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है ह्यूमिडिटी का।
इसको ऑन करने से दोस्तों रूम में जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और रूम में किसी किस्म का जरसीम नहीं रहता और रूम में जितनी भी नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है। इस फंक्शन को दोस्तों आप बरसात के मौसम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है साइलेंट। इस फंक्शन में दोस्तों एसी स्लो मोड में चलता है, ब्लोअर मोटर स्लो हो जाती है और एसी किसी भी तरह की नॉइस नहीं करता। इस मोड को नाइट में यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है लॉक का। इस बटन से आप रिमोट को फुल लॉक लगा सकते हैं। इसको दोस्तों चाइल्ड लॉक भी कहते हैं। इस बटन को आप कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखेंगे तो रिमोट लॉक हो जाएगा और डिस्प्ले पर लॉक ऑप्शन आ जाएगा। लॉक होने के बाद कोई भी बटन काम नहीं करता। इसके बाद दोस्तों इसको अनलॉक करने के लिए टेम्परेचर माइनस बटन और फैन बटन को एक साथ कुछ देर के लिए प्रेस करेंगे तो रिमोट अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो बटन है दोस्तों वो है रीसेट का। इस बटन की मदद से आप रिमोट को अपनी ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। अगर आपका रिमोट हैंग हो गया है या आपका रिमोट लॉक है तो इससे अनलॉक भी कर सकते हैं, या कोई और सेटिंग खराब हो गई है तो वो भी रीसेट बटन से रीसेट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों लॉयड इन्वर्टर एसी के लेटेस्ट मॉडल की रिमोट की सेटिंग। अगर आपको कोई भी समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी